हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेयर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, यानी मानव पाचन तंत्र क्या है। आज हम देखेंगे उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द टॉपिक एंड विच कैन बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, जो आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे अपने बारे में। मेरा नाम है राजेश जैन, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं TCS में सेलेक्ट भी हुआ हूँ। फिर मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया एंड आई स्कोर 98.33% इन दैट। इसके बाद मैंने काफ़ी बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स भी निकाले हैं। मैंने इंडियन रेलवेज़ का TA का एग्ज़ाम भी निकाला है एंड मुझे लगभग 10 वर्ष से ऊपर का एक्सपीरियंस है और मैंने देश के कई नामी संस्थाओं में भी पढ़ाया है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको सवाल करा रहा हूँ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, इनको लिखने की आवश्यकता तो पहली बात नहीं है। आपको जब भी आपको आवश्यकता हो इसको रिवाइज़ करने की, जल्दी से इसको वीडियो को आप रिवाइज़ कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। मोर देन 20 मिनट्स के आसपास ये वीडियो नहीं होगा तो आप आराम से 20 मिनट में पूरे क्वेश्चन रिवाइज़ कर पाएंगे। सेकेंडरी चीज़, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, तो मेरा आपसे आग्रह है कि पहले आप 1 से लेकर 25 तक के नंबर एक शीट पर लिख लीजिए। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आप उसे अपने मन में मंथन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, यानी जस्ट गिव अ थॉट अबाउट इट, और आपको जो लगता है आंसर वो आप अपनी आंसर शीट में मार्क करें। और लास्ट में जब ये सेशन ख़त्म होगा तो आपको आपके स्कोर्स पता चलेंगे और मैं जानना चाहूँगा कि आपने कितना स्कोर किया है, आप लोग के समझ में लास्ट लेक्चर कैसा आया है। सो आई होप मेरा बात आपको क्लियर होगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सी क्वेश्चन नंबर 1, विच कंपोनेंट्स आर एसिमिलेटेड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, यानी इनमें से कौन से तत्व हैं जो उनके वास्तविक रूप में अवशोषित होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, बी मिनरल्स एंड विटामिन्स, सी प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड डी ऑल द अबव। अब इस वीडियो को यहाँ पॉज करें, आंसर सोचें और जल्दी से अपनी आंसर शीट में लिखें, और जैसे ही आप लिख पाएं उसके बाद आप इस वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। सो यू गेस्ड इट राइट, द आंसर इज यस बी मिनरल्स एंड विटामिन्स, बिकॉज हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब तो अलग अलग जगह पर टूटते हैं, इनको सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि विटामिन और मिनरल्स के साथ ऐसा नहीं है, उन्हें हम डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ इन ए 5-year-old चाइल्ड, 5 साल के बच्चे में दांतों की संख्या क्या होती है। आंसर इज यस, आंसर इज डी 20, क्योंकि हमने देखा था डेंटल फॉर्मूला लास्ट क्लास में, वो होता है 2102, यानी कि 2+1+0+2 विच विल गिव यू 5, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये 20 कैसे आया, आप चाहे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा लेक्चर देख सकते हैं, आपको ये आइडिया हो जाएगा। सो आंसर विल बी टी 20। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ इन द लोअर जॉ ऑफ 5-year-old चाइल्ड, भाई सीरीज जो था पिछला क्वेश्चन था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कुल दांतों की संख्या 20 थी तो नीचे वाले भाग में कितने होंगे, ऑब्वियसली ए यानी कि 10। विच टीथ आर नॉट प्रेजेंट इन द जॉज ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, कौन से दांत एक शिशु के जबड़े में नहीं पाए जाते। फिर से वही फॉर्मूला 2102 और 2102, पहला नंबर दर्शाता है किसको, इंसीजर्स को यानी कि छेदक को, दूसरा 1 यानी कैनाइंस यानी रदनक को, तीसरा होता है प्रीमोलर्स 0 यानी कि अग्र चर्वणक। तो हमारा आंसर यही लाइक करता है कि भाई कौन से दांत नहीं होते जो 0 होते हैं, यानी प्रीमोलर्स बोले तो अग्र चर्वणक। सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज आवर ब्यूकल कैविटी ओपन, हमारी मुख गुहिका कहाँ खुलती है। सोचिए, दिमाग लगाइए, देखा है हमने डायग्राम, यस देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो हिस्सा दिख रहा है फेरिंग्स, यहाँ पर हमारा मुंह गुहिका जो ख़त्म होती है और यहाँ पर खुलती है, तो ये आंसर होगा फेरिंग्स हमारा यानी कि गलकोश। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मानव पाचन तंत्र का नीचे की ओर आता हुआ कौन सा क्रम सही है। देखिए दोस्तों, हमने जो ऑर्डर पढ़ा था उसमें हमको ये पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है, आई होप यू रिमेंबर इट, और उसके पहले स्टमक आता है। देखिए, खाना हमारे माउथ से इसोफेगस होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पहले नहीं आ सकती स्टमक से, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी अगर देखें तो फेरिंग्स ठीक है, स्टमक ठीक है,
डियोडेनम ठीक है, लेकिन ईसोफेगस इतने बाद में, स्टमक के पहले होता है, इतने बाद में नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नहीं हो सकता है। आपको पता है ग्रास नलिका पहले आएगी फिर आमाशय आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं, ईसोफेगस देन लार्ज इंटेस्टाइन देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो पता है अपने को लास्ट लेक्चर के बाद कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बाद में आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि डी भी एलिमिनेट कर सकते हो आप। तो राइट आंसर विल बी बी। इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देख सकते हैं, पॉज करके यहाँ वीडियो, तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डियोडेनम इज पार्ट ऑफ, डियोडेनम किसका भाग होता है? आसान सवाल, यस यू गेस्ड राइट, इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? कौन सी ग्रंथियां मानव पाचन तंत्र से संबंधित हैं? सोचिए फटाफट। लार ग्रंथियां, जी हाँ, अग्नाशय वो भी हैं, लीवर यानी यकृत, जी वो भी होता है, तो तीनों होने चाहिए। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन? प्रोटीन का पाचन शरीर के किस भाग में प्रारंभ होता है? सोच के देखिए, प्रोटीन का पाचन किस भाग में प्रारंभ होता है? सही जवाब है आपका क्या? देखते हैं क्या सोचा आपने। राइट आंसर इज बी, यानी कि आमाशय। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या होता है? इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव, वो मिसप्रिंट है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। इफेक्टिव होगा वो, इफ एक्टिव नहीं होगा, यानी यह पेप्सिन एंजाइम को और अधिक प्रभावी बनाती है। इट किल्स बैक्टीरिया विच मे एंटर द स्टमक विद फूड, या भोजन के साथ आमाशय में पहुंचने वाले बैक्टीरिया को मारती है। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर, ए या बी या दोनों, या दोनों नहीं? आई होप आपका आंसर सही हो। द आंसर इज सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। सो दीज टू आर द फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। ध्यान से पढ़िए, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत या आमाशय यानी लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन, और लीवर, और स्टमक। जस्ट गिव इट अ थॉट। आई होप यू गेस राइट, बिकॉज द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली ये है कि लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा होता तो इसका आंसर लीवर होता। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा होता ऑफ ह्यूमन बॉडी तो वो लीवर होता, लेकिन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल पूछा है तो वो होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। सो आंसर विल बी बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज में, लार्ज इंटेस्टाइन में? तो आंसर बहुत आसान है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है, ये लगभग पूरा हो जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सीक्रेट बाय लीवर? यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस का कार्य क्या है? देखिए हमने देखा था कि स्टमक यानी कि हमारा जो आमाशय होता है वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो कि भोजन को अम्लीय बनाती है, तो बाइल जूस का काम क्या होता है उसके उल्टा, यानी कि भोजन को क्षारीय बनाना, यानी कि इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। सो आंसर शुड बी ए। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन रेस्पेक्टिवली इन ह्यूमन बींग्स? हमारा पाचन तंत्र में बड़ी आंत और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज भले ही होती है लेकिन उसकी लंबाई जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में कम होती है। सो लार्ज इंटेस्टाइन अगर छोटी होगी और लंबाई में और स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचती बात ऑप्शन ए और डी की। अब इस दोनों में देखिए कि लेंथ जो लार्ज इंटेस्टाइन की वो सेम दी है, 1.5 मीटर एंड 1.5 मीटर। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले ऑप्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन दिया 2 से 4 और आखिरी वाले में दिया है 6 से 7। देखिए लंबाई हमने देखा था कि 6 से 7 मीटर लंबी होती है, यानी लगभग 4 गुना लंबी होती है हमारे
लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, यानी कि छोटी आंत बड़ी आंत से लगभग 4 गुना लंबी होती है। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑर्गन बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड? बाइल रस का निर्माण किस अंग में होता है? ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पूछा है कि निर्माण किस अंग में होता है, तो बोलिए भाई कहाँ होता है। आंसर इज बी, आई होप इट्स नॉट बी, इट शुड बी ए। सी, बाइल जूस का प्रोडक्शन कहाँ होता है? लीवर में होता है, जबकि उसको स्टोरेज कहाँ किया जाता है? वो गॉल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में होता है। तो इसका आंसर बी नहीं, उसको टाइपिंग मिस्टेक के लिए मैं माफी चाहूंगा। इसका आंसर होगा ए, यानी यकृत। इन विच ऑर्गन बाइल जूस फंक्शंस? बाइलस किस अंग में कार्य करता है? देखिए, स्रावित कहाँ से होता है? लीवर से, यानी यकृत से होता है। स्टोर कहाँ होता है, यानी कि संग्रहण कहाँ होता है? वो गॉल ब्लैडर में होता है। लेकिन ये कार्य कहाँ करता है, कहाँ जाता है? ये डुओडेनम में, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए डी। चलिए, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। ये अपन लास्ट क्लास में देखा था, मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था, बोला भी था, कई एग्जाम से पूछा गया है और कई में पूछा जा भी सकता है। तो मानव शरीर में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ क्या होना चाहिए? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स एनामल, यानी कि सी ऑप्शन। इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी फूड गेट्स अब्सॉर्ब्ड? भोजन हमारे शरीर किस भाग में अवशोषित होता है? ये भी हमने पढ़ा है, इसको आंसर होना चाहिए छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम? लाइसोजाइम देखिए दोस्तों, एक प्रकार का द्रव्य होता है जो हमारे लार में पाया जाता है, यानी कि सलाइवा में होता है। इसका काम क्या होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्या प्रतिजैविक के रूप में, यानी एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, या अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन, या लिपिड्स का पाचन करता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, और भोजन का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। देखिए दोस्तों, लाइसोजाइम होता है एक प्रकार का प्रतिजैविक, यानी एंटीबैक्टीरियल एजेंट, जो कि हमारे फूड में उपस्थित कोई अगर बैक्टीरियाज होते हैं तो उनको किल करता है। तो इसका आंसर होगा ए, एंटीबैक्टीरियल एजेंट। व्हाट इज लार्जली अब्सॉर्ब्ड इन? जो हमारे जल का अधिकांश अवशोषण है वो कहाँ होता है? देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भोजन जितना भी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है, वहाँ पर उसमें से जल निकाल के ब्लड में वापस मिला दिया जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन तो देखिए, स्टमक, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉलन दिए हैं, यानी कि आमाशय, ग्रासनली, छोटी आंत और कोलोन। अब आमाशय में तो होता नहीं है, ये हम जानते हैं। ईसोफेगस से तो भोजन सिर्फ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, वहाँ से तो जल पेट में आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि बड़ी आंत तक आता है। अब कोलोन जो होता है वो बड़ी आंत का भाग होता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कोलोन। जॉन्डिस इज द डिसीज ऑफ? पीलिया बीमारी के संबंधित है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों की है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को इसे संक्रमण होता है, बहुत लोग इससे मर भी जाते हैं। तो इसका आंसर, बहुत कॉमन बीमारी है, तो आई होप आपको पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर है लीवर, यानी कि यकृत संबंधित ये बीमारी है। यदि फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, में से कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में देखा था हम लोगों ने कि छोटी आंत को 3 भाग में विभाजित कर सकते हो। डुओडेनम, जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ भाग होता है। इसके बाद बात करते हैं जेजुनम, जो मिडिल पार्ट होता है आपकी छोटी आंत का, और इलियम, जो लास्ट पार्ट होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो बात करते हैं कैकम की, यानी कैल्शियम की, ये इसका भाग नहीं होता है। सो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल एंजाइम्स आर एक्चुअली, सभी एंजाइम वास्तव में होते क्या हैं? क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या प्रोटीन्स होते हैं, या बसी अम्ल यानी फैटी एसिड्स होते हैं, या स्टेरॉल्स होते हैं? इसका आंसर होगा प्रोटीन्स। सभी एंजाइम्स वास्तव में प्रोटीन होते हैं। इनमें से कौन सी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की? अंतःस्रावित ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन होती है? तो ऑप्शन है आपके थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल यानी अधिवृक्क, और पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। इसका जवाब है दोस्तों थायराइड। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा अंतःस्राव ग्रंथियां और बाह्यस्राव ग्रंथियों में अंतर क्या है। जिसको याद है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, इनमें से कौन सी ग्रंथि एक बाह्य ग्रंथि और अंत ग्रंथि दोनों है? यानी कि एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी।
आई होप आपको एग्जाम्पल याद होगा, मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दिए थे, लीवर एंड पैनक्रियाज, तो आंसर शुड बी पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। स्क्रीन पर मेरा नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, यदि आप कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।